Hello student, good morning all of you. Today I am going to explain our last chapter, the grasshopper and the ant. Once there lived a lazy grasshopper. एक बार एक lazy grasshopper रहता था. He didn't like to work. उसको बिल्कुल भी काम करना पसंद नहीं था. All day, पूरे दिन long, he sang songs and played in the warm sunshine. गर्म धूप में वह पूरे दिन आराम से गाने गाता और खेलता. He, look at me, देखो मुझे, I am as happy as can be. देखो मैं कितना खुश हूँ जितना मैं हो सकता हूँ. The grasshopper laughed at the hard working ant. As they worked day and night, जो ग्रास ऊपर था ना वो किस पे हार्ड वर्किंग, जो मेहनती चींटी थी ना उन पे हंसा. जो चींटियां पूरे रात दिन काम करती, कड़ी मेहनत करती, ठीक है, उन पे ग्रास ऊपर बहुत हंसा. We are storing grain for the long winter ahead, they replied. चींटियों ने कहा कि हम विंटर्स के लिए, किसके लिए, विंटर्स जाड़ों के लिए स्टोरिंग ग्रेन्स, यानी कि अनाज जो है, खाना जो है, स्टोर करके रख रहे हैं. द लेजी ग्रास ऊपर ओनली लाफ्ड लाउडर. जो लेजी ग्रास ऊपर था वो सिर्फ उनपे हंसने में लगा था और हंस रहा था उनपे. समर्स एंडेड, द कोल्ड विंटर अराइव. समर्स जो थे, गर्मियों का मौसम जो है एंड हुआ, खत्म हुआ. वो कोल्ड विंटर अराइव, और सर्दियों का मौसम आ गया. द विंड ब्लो स्ट्रॉन्ग, जो हवा थी बहुत ही तेजी से चलने लगी. एंड इट स्टार्टेड स्नोइंग, और क्या हुआ, बर्फ जो थी गिरने लगी. द ग्रास ऊपर नाउ बिगिन टू वरी. अब क्या हुआ, जो ग्रास ऊपर था टिड्डा था वो क्या हुआ, बहुत शुरू हो गया अब उसको परेशान होने लगा कि अब मैं क्या करूं. देयर इज नो फूड, मेरे पास तो कोई फूड नहीं है खाने के लिए. नो ग्रास, ना ग्रास है कोई, ना फ्लावर्स है, ना कोई फूल है, ना लीव्स, कोई लीव्स नहीं है. अब मैं क्या खाऊं, मैं देख नहीं सकता. इवन द टिन, छोटा से छोटा फ्लाई, मक्खी और वर्म, कोई कीड़ा भी मुझको नहीं दिखाई दे रहा है जिससे मैं उसको खा सकूं. व्हाट विल आई डू, अब मैं क्या करूंगा. आई विल श्योरली स्टर्व. स्टर्व मीन्स क्या होता है, भूखा मर जाना. अब मैं श्योरली, निश्चित में भूखा मर जाऊंगा. ही क्राइड, वो चिल्लाया, लेट मी मीट माई काइंड नेबर आंट. चीटी, लेट मी मीट मेरी काइंड दयालु नेबर, मुझ पे दया दिखाओ, मुझसे मिलो, मुझ पे दया दिखाओ. द ग्रास ऊपर रिमेम्बर्ड, ग्रास ऊपर को याद आया. रिमेम्बर्ड मीन्स याद आया कि हाउ, कि कैसे द हार्ड वर्किंग एंट, कि कैसे हार्ड वर्किंग, कितनी कड़ी मेहनत करके एंट ने हैड स्टोर किया था, स्टोर यानी कि अनाज को इकट्ठा करा था फॉर द ग्रेन फॉर द विंटर्स, की सर्दियों के लिए. कैसे उन चींटियों ने कड़ी मेहनत करके अपना खाने का स्टोर करके रखा था. He knocked, उसने knocked किया at the door. उस चीटी का जो दरवाजा था वो खटखटाया. Dear aunt, प्रिय aunt, I am hungry, मैं बहुत भूखा हूँ. And cold, और मुझे बहुत ठंड भी लग रही है. I have nothing to eat, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है. Please can you give me some food, क्या तुम मुझको कुछ खाने के लिए कुछ दे सकती हो. The ant shook in anger, ant ने जो गुस्से में उसकी तरफ देखा. लेजी वन, ओ आलसी टिड्डे, व्हाट वर यू डूइंग ऑल समर, तो तुम समर्स में क्या कर रहे थे. यू वर ओनली सिंगिंग एंड डांसिंग, उस टाइम तुम सिर्फ सिंगिंग और डांसिंग, केवल गा रहे थे और नाच रहे थे. यू शुड हैव थॉट फॉर द होल विंटर मंथ्स अहेड, क्या तुमने सोचा कि मुझको ठंडे लॉन्ग विंटर्स के लिए जो आने वाले उसके लिए कुछ ग्रीन तो स्टोर करके रखना चाहिए था. यू शुड हैव थॉट, क्या तुमने कुछ सोचना चाहिए था ना फॉर द कोल्ड विंटर्स,
जो आने वाले गो अवे, यहां से चले जाओ। ही स्लैम्ड हर डोर शट। उसने क्या किया चींटी ने, चींटी ने आंट के मुंह पे स्लैम्ड अपना जो दरवाजा था जोर से शट किया, बंद किया। द लेजी ग्रास ऊपर वॉज लेफ्ट, जो लेजी ग्रास ऊपर था वो वहां से लेफ्ट चला गया, एज हंग्री, भूखा ही, जैसे वो पहले भूखा था वो वैसे ही वहां से चला गया। सो लिसन, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। इससे हमें ये सीख मॉरल मिलता है कि हमें आगे अपनी फ्यूचर को लेके हर चीज को अच्छे ढंग से सोच समझ के डिसाइड करना चाहिए, चलना चाहिए। हार्ड वर्किंग न्यू वर्ड से अराइव स्टॉप एंड स्लैम्ड। क्वेश्चन से हाउ डिड द ग्रासहॉपर स्पेंड हिज डे, कैसे अपने दिन व्यतीत कर रहा था। डिड द ग्रास ओपर फाइंड फूड इन द विंटर, क्या ग्रास ओपर ने अपने लिए फूड फाइंड करके रखा था। वॉट डिड द एंट टेल द ग्रास ओपर वेन ही आस्क्ड फॉर फूड, क्या कहा था आंट ने जब ग्रास ओपर ने उससे खाने के लिए पूछा था। गिव आंसर एवरी वन। नेक्स्ट, इफ यू वर आस्क्ड फॉर स्टोर थिंग फॉर द विंटर व्हाट वुड यू स्टोर, नेम एनी थ्री थिंग्स। अगर आपसे कहा जाए कि आपको कुछ चीजें स्टोर करनी, तो आप उन तीन चीजों के नाम बताइए जो आप विंटर्स के लिए स्टोर करके रखेंगे। विच सीजन डू यू लाइक मोस्ट, डू यू लाइक द बेस्ट, आपको कौन सा सीजन सबसे पसंद है। टेल द क्लास द स्टोरी ऑफ द ग्रासहॉपर एंड द एंट इन योर ओन लैंग्वेज, आपको एंट की और ग्रासहॉपर की स्टोरी जो है अपनी लैंग्वेज में क्लास में डिस्क्राइब करनी है। वर्ड वर्डिंग, सर्कल द वर्ड्स दैट मीन द सेम, उनको सर्कल करना है जिनकी मीनिंग जो है इसमें सेम। सर्कल द वर्ड दैट मीन द सेम, स्पीक और टॉक, सेम में शाउट का मीनिंग डिफरेंट होता है। कंप्लीट और फिनिश का मीनिंग सेम होता है, स्टार्ट मीन्स शुरुआत करना होता है तो इसका मीनिंग डिफरेंट है। स्मॉल एंड लिटिल मीन्स सेम थिंग है और थिन जो है डिफरेंट है। सिक और इल मीन्स बीमार होता है, स्टाउट मीन्स डिफरेंट होता है। बिग एंड लार्ज मीन्स सेम होता है, फैट मीन्स जो है डिफरेंट होता है। नाउ दिस इज द एक्टिविटी फॉर यू, व्हेन यू हियर द विंटर समर व्हाट वर द वर्ड वर्ड्स कम योर इन योर माइंड, राइट दीज वर्ड्स इन बबल्स, आपको लिखने होंगे कि विंटर्स सुनते ही आप बबल्स में लिखने होंगे आपके कौन कौन से नाम आपको विंटर्स में रिमेम्बर, स्कार्फ, ग्लव्स, कोट एक्सेट्रा। समर्स में आइसक्रीम, एसी, कूलर एक्सेट्रा जो आपको समझ में आए वो लिखिए। ओके, नाउ आई हैव फिनिश्ड माय चैप्टर, थैंक यू।